हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का Q&A सेशन नंबर 2 है और इसमें हम लोग हार्डवेयर से क्वेश्चन दिए हैं जो कि इंटरव्यू में आपसे दिए जाते हैं। क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक एक करके हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चन हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में किए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ट्रबल शूट आवर कंप्यूटर दैट डोंट टर्न ऑन। यानी आप एक कंप्यूटर को कैसे फिक्स करेंगे जब वो पावर ऑन नहीं हो रहा है, यानी वो रनिंग कंडीशन नहीं है, तो आपकी फर्स्ट लाइबिलिटी क्या होती है? आप फर्स्ट उस सिस्टम के अंदर क्या चेक करेंगे? जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके पास एक पीसी है और ये पावर ऑन नहीं हो रहा है, ये रनिंग में नहीं, तो आपकी फर्स्ट लाइबिलिटी क्या होती है? आप इसके अंदर फर्स्ट क्या चीजें हैं जो चेक करेंगे और इसको रिसोल्व करेंगे, तो उसी को आपको आंसर देना होता है। तो आप फर्स्ट इसमें क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप आंसर उसको बता सकते हैं। फर्स्ट आप पावर सप्लाई को चेक कर सकते हैं जो आपके पावर केबल है, देन जो उसके रिलेटेड हार्डवेयर है जो आपको पावर सप्लाई करते हैं, जो हार्डवेयर उसमें है, जैसे कि SMPS हो गया, उसको हम चेक कर सकते हैं कहीं हमारा SMPS तो डैमेज नहीं है या हमारे केबल तो डैमेज नहीं है, राइट। देन उसके अलावा हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे पावर बटन को, जो आप पावर बटन प्रेस कर रहे हैं क्या वो बटन तो प्रॉब्लम नहीं है? हो सकता है वो बटन प्रॉब्लम, समटाइम्स में क्या होते हैं आपके बटन नहीं वर्क करते हैं, जस्ट की वजह से आपके बटन प्रेस नहीं हो पाते अच्छे से, जिसकी वजह से आपके सिस्टम ऑन नहीं होते, राइट। इसके अलावा आपके पास कई तरह के टूल भी आते हैं डायग्नोस्टिंग टूल, से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और जो ऑप्शन है आपके, इसको भी यूज कर सकते हैं आप, और अगर जो भी आपके पावर उसमें डिवाइस है उनको आप रिमूव करके केवल आप अपने पीसी को पावर देके चेक करेंगे कैसे हमारे क्या हमारे ये पीसी रन कर पा रहे हैं या नहीं। तो उसके अलावा आपके कंप्यूटर से बीप साउंड आता है, तो बीप साउंड को भी आप इंडिकेट करके बता सकते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम है। अगर कंटिन्यू बीप आ रहा है आपके सिस्टम में तो हो सकता है आपका रैम प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से आपका सिस्टम रनिंग ना हो रहा है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट स्टेप यू टेक इफ अ यूजर्स कंप्यूटर इज रनिंग स्लो। यानी अगर आप कोई सिस्टम रन कर रहे हो, चला रहे हो, यूज कर रहे हो, या यूजर कोई सिस्टम यूज कर रहा है और वो आपको टिकट राइज कर रहा है, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में क्या होती है टिकट राइज किए जाते हैं आपको, और या IT इंजीनियर या आपसे डायरेक्टली अगर बोल भी रहा है कि हमारे सिस्टम स्लो चल रहे हैं, तो आप कैसे कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से उसको आप प्रॉब्लम को आप रिसॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो आप कर सकते हैं, फर्स्ट आप उसमें चेक कर सकते हैं इसके टास्क मैनेजर को। टास्क मैनेजर में आपके कई सारी चीजें की परफॉर्मेंस मिल जाती है, लाइक CPU परफॉर्मेंस, मेमोरी परफॉर्मेंस, यूजर परफॉर्मेंस, और जो भी सर्विसेस होती है जो आपके बैकग्राउंड में रन होती है, वो सभी सर्विसेस की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर के अंदर मिल जाते हैं। इसमें हमारे CPU, मेमोरी, डिस्क, इंटरनेट कितने परसेंट यूटिलाइज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है और ये कैसे काम कर रहा है। देन इसके अलावा यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हैं मॉलवेयर को कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई ऐसा मॉलवेयर तो नहीं है जिसकी वजह से हमारा सिस्टम स्लो चल रहा है, तो वहाँ पे आप एंटीवायरस या एंटी मॉलवेयर स्कैनर का यूज कर सकते हैं और उसको स्कैन करके आप उसको। इसके अलावा जो आपके टेम्पोररी फाइल होते हैं, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डिलीट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, इसमें कुछ एक फाइल जो होती है, कुछ टेम्पोररी फाइल इसमें क्रिएट होते हैं जो कि आपके सिस्टम के अंदर रह जाते हैं, उसको आपको रिमूव करना होता है, उसको आपको रिसॉल्व करना होता है। रिमूव कर देंगे तो भी आपके सिस्टम फास्ट हो जाते हैं। फिर इसके अलावा आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं, अगर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है आपके सिस्टम के अंदर जो कि अपडेट नहीं है, उसकी वजह से भी आपके सिस्टम स्लो चलते हैं। इसके अलावा आप अपने रैम को भी चेक कर सकते हैं, आपके रैम की साइज भी कम हो सकती है, या हो सकता है कि आपके रैम में जो है उसको डस्ट आ गया हो, जिसकी वजह से हमारा रैम अच्छे से काम ना कर रहा हो, उसको भी आप अपग्रेड कर सकते हैं, उसको भी आप चेंज करके देख सकते हैं। एंड इसके अलावा आप डिफरेंट हार्ड डिस्क का यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके सिस्टम पर HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, तो उसके जगह पे अगर आपको फास्ट करना है अपना सिस्टम, तो वहाँ पे SSD आपकी जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होते हैं उसका यूज कर सकते हैं। ये अगर कंपेयर करें हार्ड डिस्क को तो काफी फास्ट होते हैं SSD कंपेयर हार्ड डिस्क के, तो ज्यादातर बूटिंग के लिए हम लोग SSD का यूज करते हैं जो कि काफी फास्ट होता है। ये कुछ मेथड है जिनका यूज करके आप किसी सिस्टम को अच्छा परफॉर्मेंस में ला सकते हैं, किसी सिस्टम को अच्छा परफॉर्मेंस में आप रन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर अ यूजर कैन नॉट कनेक्ट टू द नेटवर्क। यानी आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे कि एक यूजर अगर इंटरनेट से यानी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, राइट। इसके भी कई सारे मेथड है, आप उसके फिजिकल कनेक्शन को चेक कर सकते हैं कि जो हमारा PC है तो उसका कनेक्शन क्या है, वो इथरनेट से जुड़ा हुआ है कि या किसी वाईफाई से जुड़ा हुआ है। तो ये फर्स्ट आपकी लाइबिलिटी बनती है कि पहले आप उसके फिजिकल कनेक्शन और उसके वायरलेस कनेक्शन, यानी जो हमारे वायर के थ्रू या
जिस भी माध्यम जुड़े होंगे पहले उसके कनेक्शन को हम चेक करेंगे। देन इसके अलावा अगर तो सभी चीज सही है तो हम राउटर और मॉडेम को भी रिसेट करके चेक कर सकते हैं। अगर इतना करने के बाद भी आपके सिस्टम रन नहीं हो रहे हैं, इंटरनेट नहीं रन हो पा रहा है, तो उसमें आप आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, आईपी को असाइन कर सकते हैं मैनुअली और चेक कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम वर्किंग में है या नहीं। देन इसके अलावा आप नेटवर्क सेटिंग को भी चेक कर सकते हैं, नेटवर्क सेटिंग में आपके सभी चीज कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है, सभी चीज करेक्टली है या नहीं, अगर सभी चीज राइट है तो आपके डेफिनेटली वो सिस्टम वर्क करेंगे। या हो सकता है आपके ड्राइवर मिसिंग हो तो आप ड्राइवर को भी इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। देन इसके अलावा आप पिंग पर भी चेक कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में पिंग हो रहे हैं नहीं हो रहे, जो हमारे यूजर हैं वो पिंग हो रहे हैं या नहीं। देन इसके अलावा आप DNS इशू को भी चेक कर सकते हैं, इसके भी वजह से हमारे सिस्टम नेटवर्क से नहीं जुड़ पाते हैं, नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ये कुछ मेथड है जिनका यूज करके आप एक यूजर के सिस्टम को आप चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या इशू है, किस कारण ये हमारे इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या हमारे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू डू व्हेन अ यूजर्स एप्लीकेशन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। यानी एक यूजर के सिस्टम में कोई अगर एप्लीकेशन रन नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उस चीज को आप कैसे रिसोल्व करेंगे, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं आप। तो अगर वो एप्लीकेशन ओपन है तो उसको फर्स्ट आप क्या करेंगे, उसको टास्क मैनेजर में जाके उसको एप्लीकेशन को आप पहले बंद करेंगे, टास्क को एंड करेंगे एंड उसको आप अपडेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को पहले आप अपडेट करिए और उसके अकॉर्डिंग अगर वो अपडेट हो जाता है, अगर उसके कैपेबल है तो वो उसके अंदर रन कर जाएगा। अगर अपडेट करने के बाद भी नहीं चला तो उस एप्लीकेशन को आप रीइंस्टॉल कर सकते हैं, यानी उस एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल करिए, दोबारा आप उसे इंस्टॉल करिए, फिर आप उसको यूज कर सकते हैं राइट। या फिर आप उसको रिपेयर भी कर सकते हैं, रिपेयर मोड में उसको आप रिपेयर भी कर सकते हैं, तो भी आपकी प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाएगी। देन इसके अलावा जो भी इसके लॉग्स फाइल है, जिसके लॉग्स फाइल है, कुछ लॉग्स फाइल होते हैं, अगर वो प्रॉब्लम है तो उसको आप रिसॉल्व कर सकते हैं, यानी उसके एरर को आप चेक कर सकते हैं और उसको भी आप रिसॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे मेन जो होता है वो कैपेबिलिटी को चेक करना होता है, जो आपकी एप्लीकेशन है वो क्या आपके सिस्टम के लिए कैपेबल है, क्या आपके वो वर्जन जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर वो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वर्जन है उसका अगर वो सपोर्ट नहीं करता है उस एप्लीकेशन को, तो आप उस वर्जन में उस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग अ प्रिंटर दैट इज नॉट प्रिंटिंग। यानी अगर आपके पास कोई प्रिंटर है, आप प्रिंट कर रहे हैं और वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, यानी वो प्रिंट नहीं कर पा रहा है, तो आप उस चीज को कैसे रिसोल्व करेंगे, कैसे उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपकी लाइबिलिटी बनती है, आप पहले प्रिंटर के स्टेटस को चेक करिए कि आप पहले कंफर्म होइए कि आपके जो प्रिंटर है वो आपके सिस्टम से कनेक्ट है या नहीं, यानी वो ऑफलाइन तो नहीं है। अगर आप जैसे प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं तो आपके प्रिंटर वहां पे कंट्रोल पैनल के अंदर, जो आपके प्रिंटर एंड ड्राइवर जो आपके हैं उसके अंदर आपके स्टेटस में शो करता है ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर वो कनेक्ट है तो ऑनलाइन शो करेगा, अगर कनेक्ट नहीं है तो ऑफलाइन शो करेगा। उसके बाद आपको कंफर्म करना है नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो हमारा प्रिंटर है वो यूएसबी से कनेक्ट है या नेटवर्क से कनेक्ट है। तो ये भी आपके सेकंड लाइबिलिटी है कि आप चेक करें अगर आपका प्रिंटर यूएसबी से कनेक्ट है तो वहां पे ऑनलाइन शो करना चाहिए, अगर नेटवर्क से कनेक्ट है तो आपके नेटवर्क में वो चीज शो करनी चाहिए राइट। देन इसके अलावा अगर ये सभी चीजें शो कर रही है, रन कर रही है, सभी चीज दिखा रही है, तो उसके यूज जो आपके पेज होते हैं प्रिंटर के उसको आपको क्लीन करना होता है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम ऑलरेडी पहले से प्रिंट में दे चुके होते हैं और वो प्रिंट नहीं हुए होते हैं, तो नेक्स्ट टाइम से जो भी हम प्रिंट देते हैं उसके अंदर वो ऐड होते जाते हैं और उसको प्रिंट नहीं कर पाता है, तो इस चीज को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप ड्राइवर को भी चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम का ड्राइवर तो इश्यू नहीं है जिसकी वजह से हमारे प्रिंटर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या उसको समझ नहीं पा रहे हैं राइट। नहीं तो आप प्रिंटर को डायग्नोस कर सकते हैं, प्रिंटर को रनिंग में उसके टूल्स भी आते हैं जिसका यूज करके आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं और उसको चेक कर पाएंगे। देन उसके अलावा आप उसके प्रिंटर में चेक कर सकते हैं कि प्रिंटर में कोई पेज तो ऐसा नहीं है जो उसके अंदर स्टक हो गया है, उसके अंदर पेज तो ऐसा नहीं है कि या डस्ट की वजह से तो नहीं है जिसकी वजह से हमारे जो भी रोलर होते हैं उसके अंदर जो भी पार्ट की जो रनिंग होती है उसके वो ब्रेक तो नहीं हो गई है राइट। अगर ये सभी चीज सही है तो आप टेस्ट प्रिंट निकाल के चेक कर सकते हैं कि क्या इशू है और क्या चीज आपको और यहाँ पे सही करनी है। ये कुछ नॉर्मल ट्रबल शूटिंग है जिसका यूज करके आप एक प्रिंटर को चेक कर सकते हैं और उसे आप रनिंग कंडीशन में ला सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हुआ है हाउ डू यू रिकवर डेटा फ्रॉम अ फेल्ड हार्ड ड्राइव।
यानी आप एक हार्ड ड्राइव जो आपके फेल हो चुके हैं उससे डेटा आपको रिकवर करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, उस डेटा को आप कैसे निकाल सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे डेफिनेटली किया जाता है क्वेश्चन की अगर किसी कंडीशन में अगर आपके हार्ड ड्राइव फेल हो जाते हैं तो उसके डेटा को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं जिसको आप डायग्नोज करके आप ओपन कर सकते हैं, या उसको आप डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं रिकवर करने के लिए, या फिर आप उस हार्ड डिस्क को रिमूव करके किसी अदर डिवाइस में अदर कंप्यूटर में लगा के उसको आप डेटा को निकाल सकते हैं, या इसके अलावा आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं सर्विसेस आती है जिसका यूज करके आप डेटा को इजिली रिकवर कर सकते हैं, या इन चीज से बचने के लिए आप डेली बैकअप का यूज कर सकते हैं। यानी आप चाहते हैं कि आपका डेटा वो रेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप उस चीज का डेली बैकअप ले सकते हैं, तो डेली बैकअप लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी, आपको इजीली उस चीज को रिसॉल्व कर पाएंगे उस प्रॉब्लम को। ये कुछ नॉर्मल मेथड है जिसका यूज करके आप एक डेटा लॉस होने से बचा सकते हैं और डेटा जो लॉस हो चुके हैं उसको भी आप रिकवर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।